भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अंदर हूँ, चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। ये कुछ इंडो थाई कुछ कंपनी लिखा है, ये शायद कुछ सफाई काम में आता है, मतलब फ्लाइट के अंदर या फ्लाइट से जो गंदगी निकलता है इसको कुछ ऐसे ही शायद ये सफाई मशीन कुछ है, मुझे ठीक से पता नहीं, मैं नहीं बोल पाऊँगी, पर बस इसमें लिखा है कि इंडो थाई मतलब फ्रेंडशिप है कि नहीं, मतलब फ्रेंडशिप कुछ है। और मैं इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर हूँ और मुझे चलना बहुत पसंद है, मैं जब भी मौका मिले मैं बस चलती रहती हूँ, मुझे चल के जाना आना बहुत अच्छा लगता है। इसमें देखिए, अगर आपके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन कुछ नेगेटिविटी हो तो वो निकल जाते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, सारा बॉडी के हर एक मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है, तो फिज़िकल मेंटल दोनों लेवल में बहुत अच्छा एक इजी एक्सरसाइज है ये वॉक। तो मैं वॉक करना बहुत पसंद करती हूँ, हमेशा वॉक करती हूँ। और आप ही आइए ना, चलिए ना, जहाँ भी थोड़ा सा मौका मिलिए, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, बस थोड़ा सा चल लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, घर के अंदर जो चलते उसे वॉक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक स्पीड की ज़रूरत है, तो वो तो ऐसे नहीं मिलता है ना घर के अंदर, वो स्पीड नहीं होगा आपका, धक्का उक्का लगेगा, तो आपको बाहर आके ही चलना है। अभी देखिए, हर सिटी में हर जगह में कुछ ना कुछ ओपन स्पेस तो रहता ही है, और उसी में चल लीजिएगा बस। हाँ कुछ नहीं तो अपने छत भी होगा ना, लेकिन स्पीड ज़रूरी है, एक मिनिमम स्पीड में चलना है, नहीं तो जो एक्सरसाइज और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो नहीं हो पाती है, है ना। तो चलते समय आपका जो ब्रीदिंग फास्ट होता है, तेज़ तेज़ चलने लगता है, उसमें बहुत सारा क्लेंजिंग हो जाता है, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर जाता है और फिर एक अच्छा सा क्लेंजिंग हो जाता है। अभी मैं देखिए, मैं 66 की हूँ, मैं 1 घंटा चलूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी, फिर जाते ही नहा के मैं मेडिटेशन में बैठूँगी, तो वो मेडिटेशन भी अपने आप होने लगता है, मुझे कुछ कोशिश नहीं करना पड़ता है। तो एक से भले दो, मुझे एक काम से दो फ़ायदा मिलता है, आप भी ट्राई करो, थोड़े से शुरू करो, फिर ज़्यादा ज़्यादा जितना दिन बीतेगा उसको उतना आपको अच्छा लगने लगेगा, इसको फ़ायदा आपको मिलने लगेगी। देखिए, मैं 66 की हूँ, एक बार गिर भी गई थी, बहुत चोट आया था मेरे नी में, नी का कैप मतलब सरक गया था, अभी भी वो प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने चलना बंद नहीं किया। मैं सोचती हूँ जब तक अपने पैर पे खड़ी हो सकती हूँ क्यों ना थोड़ा सा चल लूँ वॉक कर लूँ, मुझे इतना ही वॉक पसंद है, आई एम अ वॉकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये कुत्ते कुछ नहीं करते हमें, ऐसे तो बहुत ख़तरनाक है, ये छोटे छोटे बछड़े को भी पकड़ के झुंड में खा लेते हैं, पर ये यहाँ फ्रेंडली है, उनको पता है कि हम इनका रेगुलर विजिटर्स है, तो कुछ नहीं बोलते हैं, कभी कभी बिस्किट दे देती हूँ तो बस वो फ्रेंड हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी भी मुझे बहुत चलना है, बात करूँगी तो थक जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी शुरू करो ना, अगर शुरू करोगे तो तभी ना ख़त्म होगा। ये सब ट्रक्स खड़े हैं एयरपोर्ट के कुछ काम में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तभी ये सब कितने लंबे लंबे ट्रक्स सब वो आके खड़े हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम एयरपोर्ट में चल रहा है। और आपको दिखाऊंगी, यहाँ का एक चीफ मिनिस्टर थे बीजू पटनायक जी, वो रही उनका स्टैचू, बहुत दूर दिख रहा है, ये उनका स्टैचू है, वो हाथ उठा के हम शहरवासियों को, हम देशवासियों को बस ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और उनका ये बेटा, एक ही बेटा उनका, नवीन पटनायक जी, आपको मालूम ही होगा, ही वॉज द क्लीनेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्लीनेस्ट चीफ मिनिस्टर उनको बोला जाता है, इतना ही जनप्रिय लोकप्रिय है कि वो बार बार बहुत सारे वोट्स में जीत के आ रहे हैं, लोग उन्हें चाहते हैं। और मैं आ गई एयरपोर्ट के टर्न पे,
ये जो सामने रास्ता घूम रहा है वहीं से टर्न होके एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि आगे मुझे ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा, गाड़ी आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब शुरू कर रहे हो ना?